जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बाहरी जिले की एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारा ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। बाहरी जिले की एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारा एक नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 531.35 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग, अन्य रसायन और फैक्ट्री सेटअप का सामान जब्त किया गया है। ज्ञात हो कि बाहरी जिले के क्षेत्र में अवैध ड्रग्स व शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए डीसीपी समीर शर्मा द्वारा क्लीन स्वीप अभियान के तहत संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देश जारी किए गए हैं। नशे के अपराधों पर काबू पाने के लिए नारकोटिक्स स्टाफ की एक समर्पित टीम गठित की गई है, जिसमें एसीपी ऑपरेशन सेल अरुण कुमार चौधरी, इंस्पेक्टर जेपी मीणा, इंस्पेक्टर विनोद कुमार, एसआई अमित राठी, हेड कांस्टेबल देवेंद्र अनिल, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, हेड कांस्टेबल हरबंस और थान सिंह शामिल हैं। 19 सितंबर को पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नाइजीरियाई नागरिक ने थाना निहाल विहार क्षेत्र के दिलीप विहार चंद्र विहार में एक ड्रग बनाने की फैक्ट्री लगाई है। यह जानकारी एसीपी अरुण कुमार चौधरी को साझा करके तलाशी वारंट प्राप्त किया गया व इंस्पेक्टर जेपी मीणा की देखरेख में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। मुखबिर द्वारा दिए गए पते पर छापा मारा गया, लेकिन संदिग्ध ने दरवाजा नहीं खोला। काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो फ्लैट के मालिक को बुलाया गया और फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया। इस प्रकार छापेमारी करने वाली टीम उक्त कथित परिसर में घुसने में सफल रही, जहां एक बड़ा सेटअप दवाओं और उसके डेरिवेटिव तैयार करने का कारखाना मिला। इसके बाद एक नाइजीरिया नागरिक जिसका नाम ओकीचुकवो मार्गन, पिता नवानेरी नाइजीरिया, उम्र 48 वर्ष बताया गया, जिसे पकड़ा गया है। वहां से पुलिस टीम ने 531.35 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग व अन्य रसायनों की बरामदगी की है। तत्पश्चात थाना निहाल विहार में एनडीपीएस अधिनियम के 14 विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज में मौजूद हूँ भारी जिला के अंदर, जहाँ हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा जी। बात करते हैं जिस तरीके से सर नारकोटिक्स ने धर पकड़ करके इतना बड़ा मामले के अंदर ड्रग्स जो रिकवरी करी है, तो सर पूरा मामला क्या था? देखिए, बाह्य जिला की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एनडीपीएस का एक एक्ट लिया है, क्राइम रजिस्टर किया और उसमें एनडीपीएस के क्राइम में जो अभियुक्त था उसको भी रंगे हाथों पकड़ा। इसमें हमने 531.35 ग्राम यानी कि 531 ग्राम के अराउंड एम्फेटामाइन, एक ड्रग है जो कि कॉन्ट्राबैंड है, वो हमने सीज की हुई है। और इसमें मुख्य अभियुक्त एक ओके चकाऊ नाम का नाइजीरियन व्यक्ति है, जो कि इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहा था। उसके दो और भी साथी थे और वो भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जल्दी वो भी पकड़ लिए जाएंगे। सर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट वैल्यू कितनी होगी? सर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट वैल्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट में 4 से 5 करोड़ बताई जाती है। तो सर, जो इसकी प्रोफाइल है नाइजीरियन की, क्या प्रोफाइल है सर इसकी? ये एक 42 साल का व्यक्ति है और ये नाइजीरिया से है और ये जनवरी 2021 में भारत आया। उसके बाद ये इसने खूब सारे कार्य किए, लेकिन शायद पैसा सही ढंग से नहीं कमा पाया। उसके बाद इसका कहना है कि पिछले एक महीने से ये यही काम कर रहा था, एम्फेटामाइन मैन्युफैक्चर करने का, और इस काम में इसको पैसे का काफी कमाई थी, ये इसका कहना है। सर, ड्रग्स पेडलरों के गिरफ्तार होने से आम जनता को कितनी राहत की सांस मिलेगी? निश्चित रूप से ड्रग जो है वो एक मेनेस है, एक बड़ी समस्या है हमारे समाज की, क्योंकि ड्रग एडिक्ट आदमी होता है वो परिवार पे भी बोझ भी होता है और एक समस्या भी क्रिएट करता है परिवार के लिए, एक इकोनॉमिक बर्डन भी वो बन जाता है, एक वो उसका हेल्थ वाइज भी उसका काफी डैमेज होता है, और फिर उसको हर कीमत पे वो ड्रग चाहिए होती है। कई बार वेरी कंपल्सिव ड्रग होती हैं जो चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो वो आदमी कैसे भी पैसे लेना चाहता है तो फिर वो क्राइम में पड़ जाता है। तो ड्रग एडिक्ट्स के क्राइम करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो निश्चित रूप से जैसे हमने इनको पकड़ा है और इनके पूरे जो सर्किट को हम अनरेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनके जो और साथी जुड़े हुए हैं, जो भी गैंग ऑपरेट करती है उसको सारों को पकड़ लिया जाएगा और इससे समाज को एक
निश्चित रूप से चैन की सांस मिलेगी। थैंक यू सर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।